हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाना बताऊंगी जो बच्चों में बहुत ही पसंद की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले जो आपको जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ब्राउनी। आपके पास अगर लेफ़्ट ओवर ब्राउनी है या आपने घर पर बनाई है या फॉर दिस रेसिपी ओनली आपने ख़रीदी है ब्राउनी तो वो आप ले लीजिए। और कोई भी मतलब किसी भी बेकरी की किसी भी ब्रांड की चलेगी, एग वाली या फिर एगलेस व्हाटएवर। मैंने ये चॉकलेट ब्राउनी ली है, चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी ली है। इसके अलावा मैंने लिया है डार्क चॉकलेट, अपने अंदाज से डार्क चॉकलेट ली है मैंने मोडे की और मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। दूसरा वाइट चॉकलेट मैंने लिया है, ये भी मैंने अगेन अपने अंदाजे से लिया है प्लस मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत वैरायटी स्प्रिंकल्स आते हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये लॉलीपॉप स्टिक्स यूज़ की। बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप चॉकलेट मेल्ट कैसे करती हैं वो एक बार हमें आप दिखाइएगा। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे मैं चॉकलेट मेल्ट करती हूँ। और चॉकलेट मेल्टिंग करने के कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ पर्सनली वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके अलावा मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि और किस तरह से आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लूँगी, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो पतीले लिए हैं, दो बर्तन लिए हैं जिनमें मैंने बॉइलिंग वाटर डाला है। ये एकदम गर्म पानी है, साफ़ पानी है और एकदम गर्म पानी है, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं है। अब मैं इन पतीलों पे अपने चॉकलेट वाले बोल्स रखूँगी। ऐसे और ये वाला इसमें, आपके पास जो भी बोल्स अवेलेबल हैं आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं किस साइज़ का बोल किस तरह के पतीले में आएगा, उसके ऊपर आप रख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, बोल्स जिसमें आपने चॉकलेट निकाली है वो एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको क्योंकि गर्म पानी के ऊपर रखा है, ये देखिए ये ऑलरेडी पिघलने लगी। मुझे मालूम है कि मैं चॉकलेट को जला नहीं रही हूँ और ये अपने आप मेल्ट होती जा रही है। इसमें भी देखिए हल्का हल्का पिघलना शुरू हो गया है। पानी की कंटेंट इसमें चॉकलेट में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ये जो मैं कर रही हूँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, इसको हम डबल बॉयलर कहते हैं। ये डबल बॉयलर कहलाता है। तो अब हम अपनी चॉकलेट्स शिफ्ट कर देंगे थोड़ी देर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, तो हम इसको अलग रख देंगे। बस बी केयरफुल कि चॉकलेट के अंदर पानी नहीं जाए। अब हम आएंगे अपनी ब्राउनी पे। हम अपनी ब्राउनी को क्रम्बल करेंगे। आप कोई भी फोर्क यूज़ कर सकते हैं, फोर्क की मदद से आप अपनी चॉकलेट ब्राउनी को बिल्कुल अच्छे से तोड़ करके क्रम्बल कर सकते हैं। सॉरी, पीछे किसी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से ये शोर आ रहा है। ये ऐसे क्रम्बल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए या आप ग्लव्स पहन सकते हैं। और हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बहुत अच्छे से धो लिए हैं और मैं ये सिंपल प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको मैनेज करना मुश्किल होता है, तो पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्राउनी मैं अपने हाथ में लूँगी और उसको हाथ से अच्छे से हल्का सा शेप दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं हथेली से या फिर फिंगर्स के थ्रू आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए लड्डू की तरह। ये तो सिंपल मैंने ब्राउनी यूज़ की है, आप चाहें तो इसमें ही और भी इसको हेल्दी बनाने के लिए
नट्स वगैरह डाल सकते हैं, ओट्स वगैरह जो वगैरह। होते हैं रोल्ड ओट्स, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बन जाएगा। तो मैं इस तरह से सारे लड्डू बना लूँगी। मैंने ये बॉल्स बना ली हैं, अब मैं अपनी लॉलीपॉप स्टिक लूँगी और एक एक बॉल्स को उठा के इस तरह से उसमें अटैच कर दूँगी। ये काफ़ी कुछ लॉलीपॉप्स जैसी लग रही हैं। इसी तरह से मैं अपने सारे ब्राउनी के जो बॉल्स बनाए थे मैंने उसमें ऐसे ही करूँगी। थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि इसमें वॉलनट वगैरह पड़े हैं, नट्स पड़े हैं, तो अगर कोई एलर्जिक है वॉलनट्स से या नट्स से तो उनको बिल्कुल मत दीजिएगा, उनके लिए फिर प्लेन वाली बनाइए। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लूँगी और हम देखते हैं हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई कि नहीं हुई। तो ये है हमारी डार्क चॉकलेट और ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है और सबसे बड़ी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो ये लॉलीपॉप्स मैंने बनाई हैं इनको हम इन चॉकलेट्स में डिप करेंगे। आपको जो चॉकलेट पसंद है आप उसमें डिप कर सकते हैं और स्प्रिंकल्स की मदद से आप इसको। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि चॉकलेट मेल्ट और किस तरह से कर सकते हैं वो है, आप सिंपली किसी आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो आप किसी माइक्रोवेव प्रूफ बर्तन में चॉकलेट्स ऐसे ही चॉप करके रखें और माइक्रोवेव में कुछ जो थोड़े 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स इस हिसाब से आप उसको मेल्ट करें और बीच बीच में निकाल के ये ज़रूर देख लें कि चॉकलेट जले ना और वो मेल्ट हो रही है कि नहीं, तो आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको डेकोरेट करें। पहले हम चॉकलेट से इसको कवर करेंगे, फिर इसको हम स्प्रिंकल्स से डेकोरेट करेंगे। ये हमने लॉलीपॉप लिया और इस तरह से हम अपनी चॉकलेट में डिप करेंगे। ये इस तरह से हम अपनी चॉकलेट में डिप करेंगे। अगर आपके पास थर्माकोल रखा हो तो थर्माकोल इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे पास अभी नहीं है बट अगर आपके पास थर्माकोल हो तो आप उसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर ये ऐसे करके स्टिक ड्रिप कर हो जाएगी और अपने आप सेट हो जाएगी। तो आपको इसको फ्रिज में रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पे सेट करिए। अगर नहीं सेट होता है देन ओनली आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है थर्माकोल तो मैं इसको अपने बटर पेपर पे ही रखूँगी। इसी तरह से मैं बाकी भी चॉकलेट से कोट कर लूँगी। और डेकोरेशन के लिए ये है कि आप स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे कलर की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं ड्रिजल करने के लिए, डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो मैं चॉकलेट्स ले रही हूँ, ये वाली जो मैं लॉलीपॉप ले रही हूँ, ये मैं ओप्स ये निकल गया वाइट चॉकलेट से इसको कोट कर लूँगी और इस वाली में मैं स्प्रिंकल्स डालूँगी चारों तरफ से। इन वालों में भी मैं कुछ में स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। अब मैं इनको सेट होने के लिए छोड़ूंगी और अपनी चॉकलेट्स हटा के रख दूंगी। ये मेरी ब्राउनी लॉलीपॉप। तो अब मेरी चॉकलेट्स सेट हो गई हैं, ब्राउनी सेट हो गई हैं। एक जो ड्रॉबैक होता है पेपर पे रखने का वो यही है कि देखिए इसमें यहाँ पे पीछे चपटा निशान बन जाता है। आप चाहें तो इसको हाथ से तोड़ करके अलग कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है कि आप थर्माकोल पे लगा के रख देंगे तो आपको राउंड लॉलीपॉप शेप ही मिलेगा। तो कुछ मैंने इस तरह से वाइट चॉकलेट इसके ऊपर ड्रिजल कर दी है और उसी तरह से वाइट चॉकलेट वाले में डार्क चॉकलेट ड्रिजल किया है और कुछ जिसमें स्प्रिंकल्स लगाए हैं। मैं जो यूज़ करने वाली हूँ
ये गोल्डन फॉयल है, चॉकलेट के लिए ही स्पेशली होते हैं, तो ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ये आई थिंक 100 का पैक मिलता है, मल्टी कलर भी मिलते हैं, सिंगल कलर में भी मिलते हैं। तो एक तो मेथड ये है कि आप अपनी ब्राउनी लॉलीपॉप जो है इसको फॉयल पेपर से रैप कर सकते हैं इस तरह से, पूरा ऐसे राउंड में इस तरह से रैप हो जाएगा। इसमें कलर्स के और भी ऑप्शन है, ये कलर भी है मेरे पास, तो इसको भी कर देते हैं। पूरे को शेप दे करके ही ऐसे हमने पैक कर दिया। और ये बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी को आपके बच्चे की बर्थडे है और वो स्कूल में या अपने फ्रेंड्स में चॉकलेट बांटना चाहता है, तो चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट आप ब्राउनी लॉलीपॉप करके भी इसको बच्चों के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये ट्रांसपेरेंट सेलोफीन होती है, ये आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। और इसको आप अच्छे से, इसको मैंने स्क्वायर में कट किया है, स्क्वायर शेप में कट किया है, और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे लॉलीपॉप, इसे भी अगेन ऊपर से ही कवर करके ट्विस्ट आइज हैं, ये मल्टी कलर में आती हैं, देखिए मेरे पास गोल्डन है, रेड है, ग्रीन है, मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। और ट्विस्ट आइज की मदद से इसको टाई कर दें, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें दिख रहा है कि ये लॉलीपॉप जैसा कुछ है, प्लस इसमें आपने जो डेकोरेशन किया होगा वो भी दिखेगा, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा एक और जो गिफ्ट रैप वाला कागज़ आता है, गिफ्ट आप जिसमें रैप करते हैं, उसको भी अगर आप इसी तरह से चौकोर में कट कर लेंगे और उससे भी आप इसको रैप कर सकते हैं, वो भी मल्टी कलर में आता है, डेकोरेशन सुंदर लगता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये फॉयल पेपर हैं, इस तरह के फॉयल पेपर मिलते हैं कटे हुए जो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेलोफीन ट्रांसपेरेंट यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप इस तरह के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या करना है सिंपल, ये छोटे साइज का है तो मैं इसमें ऐसे ही सीधे अपनी चॉकलेट रख दूंगी, और इसमें यहाँ पे गोंद गोंद लगा हुआ एक स्टिकर स्ट्रिप होती है, इस तरह से मैं इसको रैप कर दूंगी और फिर मैं अपना ये लूंगी ट्विस्ट आई, और ये देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारी बन गई चॉकलेट ब्राउनी लॉलीपॉप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग।